मैंने बोला था +40 से ठंडे में। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला होनी चाहिए। आपको वहां पे क्यों सेट किया हुआ है कैमरे को? आपके पीछे देखो क्या बन रहा है। कल जिंदगी और थी, आज फिर जिंदगी और होगी। स्नोर है ना, हद कर दी है, हद से भी ज्यादा हद कर दी है। क्या करें यार, हमारी जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी। गलती की, सोच रहा था नो ब्लोअर ले आता हूँ, देखो आपके पीछे क्या है। टोटल 10-12 सेंटीमीटर स्नो है, आज भी अभी भी पड़ रही है, लेकिन अभी एक बार हमने साफ नहीं किया और ज्यादा ऊंची हो जाएगी। जब कर लिया था ना ड्राइवे, अपग्रेड कराया पैसे देके, अभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भाई बंदों को लगता है कि मजाक करते हैं जब गिरते हैं, तो आराम से लिख देते हैं भाई जो आपने नाटक किया, ये भी नाटक ही था। जब 2 दिन छुट्टियां होती है ना, तब सुनो नहीं पड़ती। जिस दिन काम होता है, ऊपर वाला भी उसी दिन फेंकता है कि भाई काम से जाने से पहले ये काम कौन करेगा। देहाती है भाई, गांव वाले। बाबा जी ना तो मैं मशीन लेके आऊंगा ना आप स्नो हटाओगे, तो ये देहाती गांव वाले ऐसे ही उठाएंगे। आजकल ये बहुत है, कल आज शाम को फिर 5 सेंटीमीटर पड़ने वाली है, तो ये 5 सेंटीमीटर पड़ेगी तो ड्राई भी आपके सामने देखा ना, जब मैंने पहले यहाँ से साफ की फिर से कवर होता जा रहा है पसीना। ये जैकेट का कमाल है, ये वाली जैकेट को ठंड नहीं लगती। अभी 1 घंटा भी नहीं है उठा के गया हूँ अंदर, 1 घंटा भी नहीं हुआ, दोनों बुरा हाल है यार। अब नहीं उठानी मैंने, अब गाड़ी अपनी साफ करके निकलते हैं काम के ऊपर। यार की करके आया हुआ कहाँ पे? हाँ जी जा उठा के लेके आ, इसमें तेरा पेट्रोल आएगा भाई। ये हमारे कनाडा के नए ट्रक ड्राइवर, बीच रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म, अभी पेट्रोल भर रहे हैं। अगर स्टैंड ना ये नहीं तो धक्का लगा के यहीं साइड पे करके ना साइड में पार्क करके चले जाएंगे, ठीक है? आगे कर सीधा पंप पे जाना, पंप पे। अगर प्रॉब्लम होगी तो कॉल कर दी, मैं जा रहा हूँ यार्ड में। ऐसे मौसम में काम आती है 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव। क्या हाल बन गए ट्रकों के, ये देखो। बम्पर एक साथ से बिल्कुल साथ में ही लग गया स्नो के, देखो। लेकिन अपनी हुक जो है बिल्कुल सीधी आई है। अकेला ट्रेडर लेके साथ में कन्वर्टर डाल के लेके जाना है बाहर के मौसम के हिसाब से मेरे ख्याल में, लेकिन आज रात को ठंड इतनी ज़्यादा हो जाएगी रोड साफ हो जाएंगे। देखते हैं बाहर निकल के हाईवे के ऊपर कैसा सिस्टम है। जब कभी भी अकेला कन्वर्टर लेके जाना है ट्रेलर के पीछे डाल के, ट्रेलर के ए बॉक्स से हेड वेल्व ओपन कर देना है, ब्लू वेल्व बंद कर देना है। कन्वर्टर के पीछे से रेड वेल्व बंद, ब्लू ओपन, वहाँ से ब्लू बंद, रेड ओपन। अगर ऐसा नहीं करोगे जब ब्रेक मारोगे, तो ये वाला कन्वर्टर है इसके ऊपर वजन नहीं है, तो ये ऐसे शर्पे मारता हुआ आएगा जब ब्रेकें मारोगे। तुक्का ही है अगर टायर चल गया तो, नहीं चले तो नहीं सही। लेकिन हमारा यार्ड जो एकदम साफ किया हुआ है, बस यहाँ पे स्नो है क्योंकि यहाँ पे शावल नहीं आता। अभी जब हम ट्रेलर घुमाएंगे ना तो देखना आपको दिखाई पड़ेगा पीछे शावल काम कर रहा है। उसको ठीक ही लग रहा है,
ये वाला जो पहाड़ है ना, ये अपने यार्ड में जितनी भी स्नो इकट्ठी हुई थी आज, वो सारी एक जगह में लगाई हुई है, सारी स्नो हमारे यार्ड की है। ये वाली जो जैकेट है ना, इस बार कॉस्को में नहीं आई, लेकिन भाई जो बंदा भी ट्रैकिंग करता है ना, बाहर रह के काम करता है, हाफ बाजू की टी शर्ट डाल के बस चले। थोड़ा आराम आराम से चलते हैं, ये अंदर वाला रोड है, ये साफ नहीं करेंगे, वो लेट साफ करेंगे। जो मेन हाईवे होगा पेरीमीटर वाला, उस पर जाके मालूम पड़ेगा कि साफ किया है कुछ या नहीं किया। उल्टा सिस्टम होता है, गर्मियों में खाली हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लोडेड होता है टाइम ज्यादा लगता है। सर्दियों में होता है चाहे टाइम ज्यादा लगे, भाई लोडेड मिलना चाहिए। जो गाड़ियां निकले गई है ना, उनसे मालूम पड़ रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई गाड़ी चल सकती है। ओए अगर इसको 5 मिनट ना चलाओ तो ये फ्री हो जाता है। देखो पीछे क्या मर रहा है, देखो सिटी का हाल ज्यादा बुरा होगा, हाईवे का हाल इतना बुरा नहीं होगा। मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही है, मैं यहाँ पे डर के डर गया, मैं बोला यार मैं लेफ्ट कहाँ से करूंगा। ओए ओए वो सामने देखो यार बना क्या हुआ है, नीचे गलती कर ली, ये वाली साइड में आ गए, उस साइड में निकल जाना चाहिए था, क्योंकि जो पाइक होती है ना, पाइक हम ये साइड में लेके आते हैं, लेकिन निकल गया यार। ये रोड का हाल देखो यार, आपको दिखता है यहाँ पे ट्रैफिक चलेगी। मैंने उसी टाइम एंटर एक्सल लगा दिए, मैंने बोला अगर फंस फंस गया तो निकल जाएगा यार। देखा पेरीमीटर का हाल कुछ बढ़िया है, अंदर वाले रोडों से मेन रोड हमेशा बढ़िया ही होते हैं। इंडिकेटर लगा दिया लेकिन ये बाइक को समझ नहीं आ रहा, भाई मेरा आगे रोड खत्म हो गया भाई, वो डर रहा है उस रोड पे जाने के लिए, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, वो स्लिपरी नहीं है। ये जो रैंप होते हैं ना, सारे बहुत स्लिपरी होंगे, बहुत ज्यादा मींस की स्नो इकट्ठी हो जाती है इनके ऊपर। इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से ब्रेक जोर से मार दी, आपका ट्रैक्टर पहले से घूमा होता है आगे से, बस फिर समझ लो कि आपने ब्रेक मार के और ज्यादा घुमा दिया, ट्रक रुकेगा नहीं। कभी कभी हम सही होते हैं, आगे वाला बंदा गलत आ जाता है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी स्पीड कम है तो हो सकता है बचाव हो जाए। ये भाई कर रहा है मौजे, देखो कोई टेंशन नहीं है भाई साहब को, सही है, उसने फ्लैशर लगाए हुए हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। अभी खींच खींच के देखो रेड में निकाल दी, रेड में देखो, बहुत टाइम से इसको मालूम पड़ गया था ये मेरे को ओवरटेक करके गया। अभी यहाँ से कभी कभी रुकता नहीं है, लेकिन ऐसी चक्कर पड़ जाए तो हॉर्न मार दो बड़े वाला, तो कोई बंदा इंटरसेक्शन में है यहाँ से जाने वाला या यहाँ से जाने वाला, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये बंदा नहीं रुकेगा। अभी उस तरफ वाला ना थोड़ा सा रोड जमा हुआ है, तो आप देखो मैं कहाँ पे चल रहा हूँ, तो ये बंदे देखो कहाँ पे चल रहे हैं। किसी को दिक्कत नहीं करो, किसी को परेशानी नहीं दो, आपको भी परेशानी नहीं आएगी। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वायर नीचे गिर गई थी, थोड़ी सी घिसड़ गई है, लेकिन उतनी चल जाएगी। बाहर जाने के टाइम में यही पंगा होता है, पहले जैकेट डालो, कैप डालो, फिर अंदर आके उतारो। याद आ गया पीछे जाके देखने के साथ, दूसरी वाली जो वायर है एयर वाली, वो सही है नहीं सही है? वो सही है, जैकेट का बगैर ही चला गया, फिर डालनी पड़ती, फिर उतारनी पड़ती। लेट्स गो। इसको बोलते हैं शीशा, नीचे शीशा बना हुआ है इंटरसेक्शन में। देखो कितनी की स्पीड में जा रहा है हर कोई, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से ट्रक उठाए यहाँ से। नया नुस्खा है, जब हम बाइक बनाते हैं ना डबल ट्रेलर जोड़ते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये फिफ्थ व्हील जब हम ओपन करते हैं ना यार्ड में जाके, तो ये फ्रीज होता है। अभी देखते हैं क्या बनता है, काम करता है नहीं करता है, अभी हुक तो हो जाएगा। यार्ड में जाके अनहुक होना चाहिए, हाई टेम्परेचर है -40, आज के दिन डबल ट्रेलर बहुत मुश्किल लगता है, जब -25-30 से ऊपर हो जाता है ना, तब दिल नहीं करता डबल ट्रेलर चलाने को। जो भी ट्रेलर मिलता है ना, स्नो से लदा हुआ मिल रहा है, देखो we
गोप्रो तो अपना फ्रीज हो गया, तो बात नहीं बनी, पूरा शॉट खराब हो गया, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। रात को इतनी ठंड में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कन्वर्टर की, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है कि ये जो हम वायरें लगाते हैं ना, रेड वायर, ब्लू वायर, इलेक्ट्रिक कॉर्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो बस थोड़ी सी दबाई, झटका मारा तो ये उसी टाइम टूट जाएगी, इसको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। फिर आप खड़े रहोगे, सर्विस आएगी या वो बदलने वाले बंदे आएंगे, तो आधा घंटा एक घंटा तो आराम से जाता ही जाता है। ट्रक का भी बुरा हाल है, लेकिन ट्रक का जो एग्जॉस्ट होता है ना, ये ट्रेलर का है, ट्रक वाला नीचे लगा होता है उधर। बाहर का माहौल थोड़ा आज खराब ही है, ऊपर वाले की कृपा से सारा काम सही सलामत हो गया। -20 तक, -25 तक इतनी टेंशन नहीं होती। आज जो है ना, आज एक्चुअल टेम्परेचर -35 के करीब हो गया, फील लाइक -45 के पास चला गया। थोड़ी सी हवा करते हैं ऊपर वाली, ये जाएगी सीधा शीशे के ऊपर, थोड़ी बहुत जो स्नो है ये सारी मेल्ट हो जाएगी। एंड मौके के ऊपर आगे प्लान चेंज हो गया, अभी खाना वाना खा के निकलेंगे, 5 मिनट और लगेगा, खाना भी खा लेंगे, उसे ये तो हो जाएगा कम से कम आगे जाके मालूम नहीं रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, खाना वाना खाया होगा भाई, टेंशन तो नहीं होगी, कहीं फंसे भी पड़े होंगे। अंदर गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, सब्जी गर्म हो गई, 2 रोटियां खाता हूँ फिर निकलते हैं। ट्रक में माइक्रोवेव है, नीचे फ्रिज लगी हुई है, अगर ये सब भी ना होता ना, सर्वाइव कैसे करते कनाडा के ड्राइवर इतने ज्यादा डाउन टेम्परेचर में, अगर हवा नहीं चल रही। रोड इतने स्मूथली होते ना, इतने साफ हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद ही देख सकते हो, नीचे आराम से 100 की स्पीड के ऊपर जा रहे हैं और बाइक को बाइक ओवरटेक कर रही है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि रोड बिल्कुल साफ है। सामने है टिम मॉडर्न और हमको जाना है यहाँ से। बहुत ज्यादा स्नो है यार, बहुत खतरनाक काम है, वो बहुत गहरा है। लास्ट ट्रिप की 2 cream 1 एंड 1 chai tea बैग। थैंक्स मैन, थैंक यू। आई हैव टू क्रॉस द बिग ब्रिज। या ड्राइव सेफ। थैंक यू। चाय तो अपने पास आ गई है, बाइक बहुत अपने से दूर है, तो बाइक के पास पहुंचना है सेफ, और चाय भी नहीं गिरने देनी, अगर चाय गिरेगी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये ट्रक जा रहा है ना, यहाँ पे बाइक आ जाती है ये वाले रोड के ऊपर, वो देखो सामने आपको दूर दिखाई दे रहा है, वो फ्लैशर लगे हुए दूर, वो फंसा हुआ है ट्रक वहाँ पे, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, अंदर आ सकता था लेकिन मैंने बोला बाइक फंस गई तो चक्कर पड़ जाएगा बहुत बड़ा चाय के चक्कर में। यार बहुत गहरा है यार ये, ओ माय गॉड, चाय पकड़ना कौन सा आसान काम है भाई, ये दूसरा पैर है। शिट मैन, मेरे पूरे शूज भी गीले हो गए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे कहानियां नहीं बनी हुई, अगर चाय ना उठाता ना यहाँ से 300 किलोमीटर बनी पैक है, मेरे को पक्का नींद आने वाली थी। रोटियां खा ली मैंने स्वाद स्वाद में 3-4, और एक सबसे बड़ी गलती क्या की, ग्लव्स पहन के नहीं गया, अभी ये उंगले टूटने वाली है हाथों में से। ये वाला कैमरा फ्रीज नहीं हुआ, इतना अच्छा हो गया। ऐसे मौसम में जब बहुत ज्यादा स्नो आज ही पड़ी है ना, इसलिए अंदर वाले रोड सेफ नहीं है, कभी भी अंदर वाले रोडों के ऊपर नहीं जाओ, डबल ट्रेलर है। इसी एक सुकून के लिए इतनी बड़ी डिच क्रॉस करके गया हूँ। ये देखो भाई साहब, मैंने ब्रेक मारी है फिर इनको जाने दिया है, ये भाई साहब आ रहे थे पीछे से स्नो उड़ाते हुए बहुत तेज। छुट्टियों का मौसम है ना, इतनी ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन जब कोई कोई कार आती है ना, तो लेफ्ट साइड वाला ट्रैक पूरा भरा हुआ है स्नो से, देखो ऐसे अपनी आंखों के आगे पूरी स्नो जो मेरी आंखों के आगे करने वाला था। विनीपेग का हाल जैसा छोड़ के गए थे वैसा नहीं है, सुबह भी स्नो साफ करके गए थे, अभी जाके फिर से मेरे को लगता है कि शावल उठाना पड़ेगा, और ये क्या बना हुआ है देखो। अरे भाई यहाँ पे बाइक रुक गई ना, तो बाद में निकले कैसे। नहीं 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 नहीं, साफ है साफ है साफ है, बन गई बात बन गई। अभी कैमरा तो मैं घुमा नहीं सकता पीछे, लेकिन पीछे वाला सीन देखने वाला था। घर पहुंच गए भाई, पार्टी हो गई पार्टी, अभी यार में आराम आराम से कर लेंगे, बस रोड वाला काम खत्म हो गया, बाकी देखा जाएगा। पार्टी बन गई।
पार्टी होगी भाई, भाई साथ में मिल गए, भाजी साथ में मिल गए, अपना काम बन गया। नहीं तो बहुत लफड़ा लफड़ा होना वाला था, दिमाग खराब होना था यहाँ पे। अभी वो कन्वर्टर डालेंगे अपने पीछे और अपने वाला कन्वर्टर ऐसे ही चला जाएगा। आजकल ना ये भी बहुत नखरे कर रही है, ये भी भाई अपनी मन मर्जी पे उतरी हुई है, मालूम नहीं इसका स्टार्ट होगा नहीं होगा। तार तो मैंने अभी लगानी चालू नहीं की। भाई मान गई, क्या बात है। जाने से पहले ट्रक को ऑटो स्टार्ट पे लगा के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक नंबर पे घुमा दिया, हीट कर दी फुल, बस इतनी बहुत होती है। जब ट्रक पूरा गर्मी मारता है ना तो इतने में काम चल जाता है, चाहे कितनी भी ठंडी है। और यहाँ से ये वाले जो कर्टन है इनको खुले छोड़ के जाना है, अगर ये बंद होते ना तो इनके अंदर हवा नहीं जाती, फिर ये वाला जो पोर्शन होता है आगे वाला ये बहुत ठंडा हो जाएगा। हाईवे से चल के आए ना, ये वाली इसकी गर्म वाली सुई है, ये वाली, ये थी 200 के पास में रहती है 190 के ऊपर, अभी देखो कहाँ पे है 170 के ऊपर आ भी गई। अभी टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड भी नहीं हुए ट्रक बंद किए हुए। मैंने वहां पे विंडशील्ड वाटर क्यों डाला था, क्योंकि एक दिन मेरे पास कैमरा नहीं था, लेकिन मेरे साथ इतने कुत्ते खानी हुई है ना उस दिन, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिमाग खराब हो गया था उस दिन, मैं अकेला था। पीछे वाले जॉस बोलते हैं उनको, जॉस जिनमें जाके पिन लगती है, और वो जॉस जो होते हैं दो ऐसे, वो आगे आ जाते हैं पिन के, लेकिन जब हम उसको पिन को खींचते हैं तो ये वाले जॉस जो है ना ऐसे खुलते हैं, लेकिन वो जॉस खुलते नहीं है, फिर उसको धक्का मुक्की करना पड़ता है। पाजी थे वहां पे ही, तो पाजी ने पुलर से उसको जोर से खींच के रखा बाहर को, तो बी बॉक्स अनलॉक हो गया। टॉफी खाओगे, ये बाकी रह गई थी यार। शुक्रिया बाबा जी। ये लगता है कि हम कनाडा में आए, 2-4 दिन से इतनी स्नो पड़ रही है, दिमाग खराब हो रहा है देख देख के। बाबा जी मैंने बोला था +40 से ठंडे में, मैंने ये नहीं बोला था कि +45 से सीधा -45 में। अभी इसके ऊपर भी थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, अगर मैंने ऐसे ही गाड़ी घुसा दी तो फिर ये नीचे जम जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी। तो अपनी गाड़ी जितनी जगह बनाते हैं, फिर गाड़ी लगा के फिर सोएंगे यार। काम बन गया यार, बस अपने को बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी का कल सुबह देखेंगे। यहाँ पे आगे कभी कभी ना कैनेडा पे गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें, यही हमारी जिंदगी है। अभी आपको मालूम पड़ ही रहा होगा, जिस दिन स्नो पड़ती है, ठंड ज्यादा होती है, तो हमारी रूटीन क्या है। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये लाइफ अच्छी है, जिस दिन टेम्परेचर -4-5 डिग्री हो गया, इतनी स्नो पड़ गई हाईवे के ऊपर, 100 के स्पीड के ऊपर जाने की तो बात दूर, 30-40 पे भी नहीं जा सकते। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, कोई भी पार्ट अच्छा लगा है, तो मेरे ख्याल में इन दिनों में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं कि लाइक का बटन दबा के जाओ। अभी भी अपने बहुत सारे भाई हैं जो मेरे से गुस्सा हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे परिवार बड़ा होता है, मोटिवेशन मिलती है। दिस इज द एग्जैक्ट लाइफ जो मेरे साथ हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया आज आपको पूरा मालूम पड़ा। इसकी वजह से आज व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि सुबह के 7 बज चुके हैं, अभी बस मैं सोऊंगा। अभी आप समझ सकते हो कि डेली व्लॉगिंग करनी ट्रक ड्राइवर के लिए कितनी मुश्किल है, और अगर काम पे नहीं जाएंगे, बैंक वाले अपने टाइम के ऊपर अपनी किस्त जो है ना वो काट लेते हैं घर की, नहीं मानते। बहुत बार बोला मैंने कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को थोड़ी छोड़ दे दो, मैंने वीडियो भी डालनी होती है, बोलते ना अपने टाइम के ऊपर किस्त काटेंगे, तुम बाढ़ में जाओ। तो ठीक है यार, मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज में। चलते अपना ख्याल रखो, अपने पूरा का ख्याल रखो, चढ़ती कला एंड राब रखा। इन छुट्टियों में एंजॉय भी करते हैं, काम पे टाइम पे काम भी करते हैं। दिस इज कनाडा एंड दिस इज एग्जैक्ट जो मेरे साथ हो रहा है। ऊपर वाले का शुक्रिया, सेफ गए, सेफ घर आ गए, इससे बड़ी बात हमारे लिए हो नहीं सकती। पूरा मेरा खाने का सामान रख के गई है, फोन के ऊपर उसने बोला था खाना खा लेना आके, 1-2 रोटियां खा लेता हूँ, उसका भी देर रख लेते हैं, भूख तो बिल्कुल भी नहीं है, सुबह के 7 हो गए यार, अभी क्या खाना है। I'm an old school man, I only wanna fall in love once with an old school girl.